कैप्टन बुलाए गए, रिंकी और साक्षी दोनों टीमों के कैप्टन हैं, दोनों बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। साक्षी जो आईटीबीपी में कार्यरत है, भाई अगली टीम निजामपुर, निजामपुर और अहरी दोनों टीमें जल्दी ग्राउंड पर आ जाए, निजामपुर और अहरी दोनों टीमें ग्राउंड पर आ जाए। भाई बहुत ही अच्छी टीम है, केलंगा जिला भिवानी। भाई मैच समाप्त हो चुका है, अहरी वर्सेस निजामपुर 30 सेकंड का समय दोनों टीमों के लिए, अहरी वर्सेस निजामपुर 30 सेकंड का समय है, और उसके बाद साई वर्सेस बजरंगबली क्लब 5 मिनट का समय उस टीम के लिए। और लेट करोगे तो और छोटा होगा। अगले मैच के लिए साई सोनीपत और बजरंगबली क्लब कबड्डी 8-2-8 का मैच है भाई, उसमें से कम हो रहा है टाइम। निजामपुर वर्सेस अहरी, उससे अगला मैच साई सोनीपत वर्सेस जय बजरंगबली कबड्डी क्लब बलिया। मौसम खराब है, आप थोड़ा जल्दी करके आए भाई, टीम में ध्यान दें। निजामपुर वर्सेस अहरी। निजामपुर वर्सेस अहरी दोनों टीमें जल्दी आ जाए, निजामपुर वर्सेस अहरी। निजामपुर वर्सेस अहरी दोनों के चलों में सभी टीमें, जो टीम पहले ग्राउंड पर आएगी वो टॉस विनर होगी, और यदि दूसरी टीम समय से नहीं आई तो फिर निजामपुर की टीम ग्राउंड पे आ चुकी है। भाई अहरी की टीम ध्यान दें, और ये अहरी और निजामपुर की टीम में जो जीतेगा वो मंगलवास के साथ मैच खेलेगा, वो भी आपका साथी होगा। भाई निजामपुर की टीम टॉस विनर है, अहरी की टीम ग्राउंड पर आ जाए। यदि नितिन अहरी की टीम 30 सेकंड में ग्राउंड पर नहीं पहुंची तो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। और अगला मैच साई वर्सेस बजरंगबली कबड्डी क्लब, ये साई की टीम भी तैयार हो जाए। अहरी टीम लास्ट एंड फाइनल कॉल है अहरी टीम के लिए, पहले बता दिया था अहरी टीम को, फिर भी आप ग्राउंड पर नहीं आ रहे। भैया अब अगली जो टीम है साई सोनीपत बजरंगबली कबड्डी क्लब, ये ग्राउंड नंबर 2 पर होगा, दोनों टीमें तैयार होकर आ जाए जल्दी। और मोनी हथवाड़ा वर्सेस टिटोली, ये ग्राउंड नंबर 1 पर होगा, चारों टीमें तैयार होकर आ जाए। Yeah.
दीपक वर्षिक बजरंग बली कबड्डी क्लब साई सोनीपत बजरंग बली कबड्डी क्लब और टिटोली वर्षी मोनी हथवाला बी एस एस नरेला वर्षी मोनी हथवाला ए ये मैच सुन ले किस क्रम से होंगे साई सोनीपत वर्षी बजरंग बली कबड्डी क्लब बलिया दोनों टीमें तैयार होकर आ जाए टिटोली वर्षी मोनी हथवाला बी ये दोनों टीमें तैयार होकर आ जाए उसके बाद मोनी हथवाला ए वर्षी एस एस नरेला और फिर मोकलवास वर्षी इस मैच की विनर थी ये मैच होने बाकी है आठ पॉइंट केलंगा तीन पॉइंट जे अंबे अकेडमी दिल्ली और भाई साक्षी इस समय रेड पर आईटीबीपी में कार्यरत है ये बेटी बहुत ही प्रतिभावान है और वह लीजिए साथियों ये है रिंग की बिल्कुल जबरदस्त एंकल होल्ड और ऑल आउट कर दिया इस बार अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी भाई अगले मैच के लिए साई सोनीपत और बजरंग बली कबड्डी क्लब और टिटोली वर्सेस मोनी हथवाला बी फिर मोनी हथवाला ए वर्सेस एस एस नरेला और फिर मोकलवास वर्सेस इस मैच की विनर फिर हमारे पास चार टीमें बचेंगी इस टूर्नामेंट में और चारों की चारों टीमें इनाम की हकदार होगी प्रथम स्थान की टीम को 71,000 रुपये द्वितीय स्थान की टीम को 51,000 रुपये तीसरे और चौथे स्थान की टीम को 21,000 रुपये दिए जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भाई महिला वर्ग कबड्डी टूर्नामेंट में प्रथम स्थान पर आने वाली टीम को 31,000 रुपये और दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 21,000 रुपये दिए जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस खेल समिति का इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया आपने और 19 और 20 तारीख को गाँव सिकंदरपुर बढ़ा में नेशनल स्टाइल कबड्डी का टूर्नामेंट है 19 तारीख को महिला वर्ग का है 20 तारीख को पुरुष वर्ग का है सभी टीमें आमंत्रित हैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके पास वैसे भी पोस्टर डाल दिए जाएंगे खबर पहुंच जाएगी आप जरूर पहुंचें और कल गांव मिर्जापुर बासौंद में नेशनल स्टाइल 100 किलोमीटर दूर की टीम को 1,000 रुपये 150 किलोमीटर दूर की टीम को 1,500 रुपये 200 किलोमीटर दूर की टीम को 2,000 रुपये Hold on.
9-16 भाई ये सेकंड सेमीफाइनल है महिला वर्ग का, इसके बाद जो टीम जीतेगी वो पाई के साथ फाइनल मैच खेलेगी। पुरुष वर्ग में अगली टीमें जल्दी हिम्मत और बजरंग बली कबड्डी क्लब बलिया, 1 मिनट में दोनों टीमें ग्राउंड पे रिपोर्ट करें। भाई यहाँ ध्यान रखना, बता दे करो ना टाइम आउट है। अठारह पॉइंट टहरी और 7 पॉइंट निजामपुर। इधर आ जाओ यहाँ पर, आपको डिस्टर्ब हो रहा है भाई। इसके बाद क्वार्टर के मैच शुरू हो जाएंगे। पहला क्वार्टर मैच साई सोनीपत वर्सेस बजरंगबली कबड्डी क्लब बलिया, दूसरा क्वार्टर का मैच टिटोली वर्सेस मोनी हतवाला बी, तीसरा क्वार्टर का मैच मोनी हतवाला ए वर्सेस एसएस नरेला और चौथा क्वार्टर का मैच मोकलवास वर्सेस इस मैच की विनर। ये 4 क्वार्टर होंगे, उसके बाद 2 सेमी और 1 फाइनल मैच। आप लीजिए भाई साथियों, साई सोनीपत और बजरंगबली कबड्डी क्लब ये दोनों टीम और नो, क्योंकि जो बजरंगबली बलिया और साई सोनीपत का मैच है वो वन साइड मैच है, 5-5 मिनट का मैच होगा। ये टिटोली और मोनी हतवाला बी तैयार हो जाए भाई, टिटोली और मोनी हतवाला बी। स्कोर बताना जी एक बार, सुंदर कोचा भाई भिवानी तिरंगा की टीम का स्कोर 20 और दिल्ली का स्कोर 12। अब रेड पर साथियों साक्षी इस समय रेड करती हुई भिवानी की तरफ से, बहुत ही अच्छी रेडर है हरियाणा प्रदेश की, इस समय रेड पर और अब रेड अंबे स्पोर्ट्स अकेडमी की तरफ से भाई डिसाइड डू एंड डाई रेड। दीपिका इस समय रेड पर आईटीबीपी में कार्यरत है खिलाड़ी, डिसाइड रेड करती हुई टीम इस समय पीछे चल रही है, देखते हैं कौन प्रयास करेगा। बहुत ही अच्छी डिफेंस की टीम मानी जाती है तिरंगा भिवानी, और लीजिए भाई साथियों रेडर आउट, सेंटर लाइन तक पहुंचा था लेकिन हो जाता है भाई, तो फिर मारे ऊपर हो जाएगी। दोनों टीमें तैयार है, ओगर ग्राउंड पे आ जाए साई सोनीपत और बजरंगबली कबड्डी क्लब।